wonderful friends, welcome back to my channel Style Diva. This is your friend Shalini. I hope you all are doing good. So in today's video we will be talking about Color Bar Festive Fling Lipstick. Look at the packaging. The packaging looks really really colorful, just like our Indian festivals. So इसके बारे में हम सारी बातें करते हैं. इसके स्वैच हैंड स्वैच करके मैं दिखाऊंगी, अपने लिप्स पे मैं अप्लाई करके दिखाऊंगी. बिकॉज आज इसीलिए मैंने लिपस्टिक अप्लाई नहीं करी है, क्योंकि आज मैं ये वाली लिपस्टिक अप्लाई करने वाली हूँ ऑन द वीडियो. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. तो सबसे पहले हम पैकेजिंग के बारे में बात कर लेते हैं. पैकेजिंग बहुत कलरफुल सी है और यहाँ पे कलर बार फेस्टिव फ्लिंग लिखा हुआ है. और इसकी यहाँ पे ये जो शेड नंबर लिखा हुआ है 004 बॉम्बशेल, द शेड इज बॉम्बशेल. लेट्स सी कि कलर कैसा है. वैसे मैं इसे अप्लाई कर चुकी हूँ, बट मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी. बॉम्बशेल जो नाम है बिल्कुल वैसा ही इसका कलर है, एकदम बॉम्ब है, बहुत ज़्यादा हाईली पिगमेंटेड है. लेट्स सी, आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन इट. तो कुछ इस तरीके की इसकी पैकेजिंग है. मेरा पर्सनल फेवरेट है सिल्वर कलर, एंड यहाँ पे ब्लैक कलर से कलर बार लिखा हुआ है. लुक एट दिस, कितना ज़्यादा लग्जूरियस पैकेजिंग है इसकी. बहुत ज़्यादा इसका जो कैप है वो मैग्नेटिक कैप है, तो ट्रैवल फ्रेंडली है काफ़ी ज़्यादा. और यहाँ पे लिखा हुआ है शेड नंबर. अगर आप इसका ये जो आउटर पैकेजिंग में इसे फेंक देते हैं, तब भी यहाँ पे आपको शेड नंबर लिखा हुआ है 004 बॉम्बशेल. और यहाँ पे नेट क्वांटिटीज की लिखी हुई है 4.2 ग्राम. सो यहाँ पे अगर आप, जैसा कि मैंने बताया, आउटर पैकेजिंग फेक भी देते हैं, इसे हटा देते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बिकॉज इसकी जो एक्सपायरी डेट है और मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो यहाँ पर लिखी हुई है. सो यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़ बिफोर 08/22 लाइक 2022. काफ़ी अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, 3 साल का टाइम मिल जाता है. 3 साल तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं. ये जो लिपस्टिक है ये कुछ मुझे 750 रुपीज़ की पड़ी थी, ये एक सिंगल लिपस्टिक. सो थोड़ी सी प्राइसी है, बट वर्थ इट. सीरियसली लुक एट द बुलेट. दिस इज़ द बुलेट. द शेप ऑफ द बुलेट इज़ लाइक इज़ वेरी एजी. सो आपको लिप लाइनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसे ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं. इसके जो एजेस हैं आप उसको एज अ लिप लाइनर की तरह कॉर्नर पे यूज़ कीजिए, एंड देन फिल करने के लिए आप इसे, इस बुलेट को यहाँ पर ऐसे फिल कर सकते हैं. तो काफ़ी ज़्यादा इजी टू अप्लाई है, काफ़ी क्रीमी फॉर्मूला है. सो मैं इसका हैंड स्वेच कर देती हूँ. ये हैंड स्वेच कितना ज़्यादा अच्छा मजेंटा पिंक कलर है. ये हर एक आउटफिट के साथ जाएगा. और अगर आप न्यूली ब्राइट हो या फिर आपकी शादी होने वाली है, तो आपको इसे अपनी वैनिटी में ज़रूर यूज़ करना चाहिए, ज़रूर आपको रखना चाहिए. और एक टिप है, इसको अप्लाई करने से पहले अगर आप अपने लिप्स को लिप बाम ना लगा करके कंसीलर थोड़ा सा आप लगाएं अपने लिप्स पे कवर करने के लिए, तो फिर क्या होगा, उससे आपकी लिपस्टिक का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा पॉप करेगा, बहुत ज़्यादा निखर के आएगा. और जब आप लिपस्टिक को हटाएंगे तो आपकी जो लिप्स हैं उस पर पिगमेंटेशन नहीं रहेगा. बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है. इसे जब मैंने विदाउट एनी लिप बाम, विदाउट एनी कंसीलर इसे ऐसे ही लगा लिया था, तो इसको रिमूव करने के बाद भी मेरे लिप्स काफ़ी ज़्यादा पिंक लग रहे थे. और लिपस्टिक का जो कलर है वो एकदम लिप्स पे चढ़ जाता है और ईजीली रिमूव नहीं होता है इसका कलर. बट दिस लिपस्टिक इज़ नॉट ट्रांसफर प्रूफ. आप इसे जब भी खाएंगे या कुछ पियेंगे तो ये लिपस्टिक बहुत जल्दी फेड हो जाती है. ये इसका थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, बट उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो लोग मैट लिपस्टिक पसंद नहीं करते हैं. कुछ लोगों को क्रीमी लिपस्टिक बहुत ज़्यादा पसंद आती है, जस्ट लाइक माई मदर डज नॉट यूज़ मैट लिपस्टिक्स एट ऑल. शी इज़ अ फैन ऑफ क्रीमी लिपस्टिक्स, सो वो क्रीमी लिपस्टिक्स ज़्यादा यूज़ करती हैं. सो उनके लिए तो काफ़ी अच्छा है. एंड जो लोग फेयर हैं, जो लोग थोड़े से डस्की हैं, उनके ऊपर भी अच्छा लगेगा. मतलब हर एक इंडियन स्किन टाइप को ही सूट करने वाला है. सो अगर आपका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क भी है, तब भी आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा. ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइट कलर है, ब्राइट पिंक कलर है, तो आई कैन नॉट रेजिस्ट माई सेल्फ. आप मुझे अप्लाई करना है लिपस्टिक और आप लोगों को शो करना है. सो चलिए अप्लाई करते हैं लिपस्टिक.
सो लिपस्टिक अप्लाई कर लेते हैं। सो आप देख सकते हैं कि ये कितनी इजीली ग्लाइड हो जाती है और एकदम मेरे लिप्स पे कितनी ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। ये जो लिपस्टिक है इसका जो कलर है काफ़ी ज़्यादा सूट कर रहा है मेरी स्किन टोन को। इसके आउटर पैकेजिंग पे यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स मेंशन है एंड सबसे पहला जो नाम है वो लिखा हुआ है कैस्टर सीड ऑयल। सो कैस्टर सीड ऑयल हम ज़्यादातर अपने बालों के लिए यूज़ करते हैं। ये हेयर ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग होता है। तो इन्होंने अपनी लिपस्टिक में कैस्टर सीड ऑयल यूज़ किया हुआ है। सो काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है इस वजह से लिपस्टिक। तो इसे आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन ये मैट नहीं है, ये ट्रांसफर प्रूफ नहीं है। सो लेकिन काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है और ये जो कलर है बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है और ये इसके प्रोज हैं और कॉन्स सिर्फ ये है कि भाई ये ट्रांसफ़र प्रूफ नहीं है, ट्रांसफ़र होती है और ये इजीली फेड हो जाती है जब आप कुछ खाते हैं या पीते हैं। तो इसे थोड़ा सा सेफली यूज़ करना है और ये एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है 2-3 घंटे के बाद अगर आप कुछ खा रहे हैं या पी रहे हैं। सो आज के वीडियो में बस इतना ही और कुछ अगर मैंने मिस कर दिया तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी और परचेज लिंक में डाल दूँगी अगर मुझे मिलता है। ये मैंने स्टोर से बाय आउट किया था, मैं स्टोर से लेकर आई थी इसे। तो अगर मुझे ऑनलाइन दिखता है कोई लिंक तो मैं डाल दूँगी, तो आप अगर पसंद आती है तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ।